This is my YouTube channel. For subscription and press the bell icon. Welcome to my YouTube channel Vehicle Expert Solution. मैं शेख सुफियान लातूर महाराष्ट्र से. तो आज मैं आयशर का ट्रैक्टर का स्टार्टर खोलने वाला हूँ. तो ये स्टार्टर में क्या क्या फॉल्ट है ये दिखाने वाला हूँ मैं. तो वीडियो को देखे कि इसमें जो ड्राइवर ने जो गाड़ी चालक ने जो गलती की है और गाड़ी का बहुत अच्छा सा काम निकला है. ये गाड़ी ने गलती क्या की ड्राइवर ने और गाड़ी स्टार्टर का क्या क्या काम है आपको मैं सब दिखाऊंगा. तो वीडियो को देखते रहिए, स्किप ना करें. स्टार्टर का काम चालू है. तो ये स्टार्टर खोलते समय ये जो रिंग दिख रही है, रिंग ये हिसाब से खोले क्योंकि ये बहुत अहम रिंग है. तो स्टार्टर पूरा खुल चुका है, बोल्ट भी निकल चुके हैं. तो खाली निकालना है, यहाँ एक बोल्ट आता है, ये लूज़ किया है. इधर ये वायर इधर फिक्स होते हैं. तो मैं खोल के दिखाता हूँ कि आपको प्रॉब्लम क्या क्या है, देखेंगे क्या होगा इसके अंदर प्रॉब्लम. ये हमारा स्टार्टर खुल चुका है. एक ये पूरा जल चुका है, गरम गरम है. देखें, देख सकते हैं आप. तो पूरा स्टार्टर हमने खोल दिया है. ये कार्बन ब्रश की प्लेट, ये अपना आर्मीचर. ठीक है, आर्मीचर ये घस चुका है. यस, ये पौड़ी को घस चुका है. देख सकते हैं ये ब्रश अपने, ये बॉडी, यहाँ का एक बुश, इधर का एक बुश, और यहाँ एक बीच में इधर एक बुश आता है. इधर यहाँ पर ये तीन बुश हमें बदलने हैं. और ये सब ओके, ये प्लेट ऊपर की, यहाँ का एक बुश हमें बदलना पड़ेगा. बाकी का सब खोल चुके हैं. अब ये सब आपको रिपेयर करके हम दिखाएंगे. तो वीडियो को पूरा देखे, आपको बहुत फ़ायदेमंद रहेगा वीडियो ये. जैसे कि हमने ये जो ये अपना इंजन है टाटा का, तो ये जो दिख रहा है आपको, ये जो रिंग है, ये रिंग बहुत इम्पॉर्टेंट है. स्टार्टर की रिंग, ये रिंग अगर नहीं रही तो ये जो यहाँ ये फ्लाईवील रिंग है, ये जो अपना बेंडेक्स होता है ना, ये बेंडेक्स इससे घुमाता है फ्लाईवील रिंग को. तो जैसे कि ये देख सकते हैं आप, स्टार्टर खुल चुका है. और दिखाने वाला हूँ आगे की प्रोसीजर क्या होगी, देखते रहिए. अब सबसे पहले हमें जो अब जो पार्ट्स निकाले हमने, वो पार्ट्स हमें धोने पड़ेंगे क्योंकि कार्बन वो चढ़ जाता है. इसकी वजह से हमें ये पूरे पार्ट्स क्लीन करने पड़ेंगे. तो मैं दिखाता हूँ पार्ट्स क्लीन करने का वीडियो. तो देखिए, क्लीन हो चुके हैं. तो पार्ट्स मैंने पूरा क्लीन कर दिया है. अगर ऐसा अगर होता कि पार्ट्स क्लीन में अगर कोई पुरस्कार दिया जाता था या कुछ प्रमाण पत्र दिया जाता था पार्ट्स क्लीन करने में, तो वो मुझे मिलता. मैं ऐसा सोचता हूँ, सॉरी. तो मैं आपको दिखाता हूँ कि पार्ट्स मैंने जो क्लीन की उसकी क्या हालत है, कैसे पार्ट्स क्लीन हुई या नहीं. तो ये मैंने पार्ट्स क्लीन किए हैं. पहले की हालत आप देख सकते हैं. इसको पेपर मारना है, ये देख सकते हैं. ब्रश, बोर्ड्स, देखिए ब्रश, सनलाइट स्विच,
अच्छे तरीके से क्लीन एकदम। क्लीन हो गया एकदम अच्छे तरीके से। अब हमें ये क्या कहते हैं, जो आर्मी चाहिए, ये आर्मी चाहिए, इसको हमें अब पेपर मारना है इधर। पेपर तो पेपर क्यों मारना है आपको एक बात बताता हूँ मैं। अब ये आपको दिख रहा होगा घसेसो एक यस हिज, ये दिख रहा है आपको, ये घसे वाला निशान है, ये जो ये इसको ये घसे वाला यस इसको। और ये क्लीन करने वजह से आपको दिख रहा नहीं होगा, ये जो दिख रहा है आपको ये ऊपर की प्लेट, ये प्लस के हैं, ये माइनस के हैं, तो ये घस चुके हैं, ये ऐसा बैठते हैं, ये ऐसे बैठते हैं। इसको क्या हो गया, ये जो दिख रहा है ये नीचे की प्लेट, वो ज़्यादा दबे हैं और ये ऐसा ऐसा फिरता है, ज़्यादा इतना नहीं चुप ऐसा करके, ऐसा अगर फिरा गाड़ी स्टार्ट होती है तो ये ज़्यादा अगर ऐसा चिपक के फिरा है तो इसके वजह से ये घस, ये चारों भी घसे हैं और ये भी घस घस चुका है। तो ये करता है किसकी वजह से, क्योंकि ये जो आर्मीचर ये बनाया हुआ है, बनाया गया है, तो ये जो ऊपर का सर दिख रहा है ये सर थोड़ा सा नीचे लेना था बट ये थोड़ा सा ऊपर आया, इसकी वजह से घस चुका है। तो इसका कोई टेंशन नहीं है, हमें खाली इसको पेपर मारना पड़ेगा। अब पेपर मतलब क्या, ये मेरे पास एकदम हार्ड पेपर है, ये हार्ड पेपर, ये पेपर मैं इसको घसूँगा। घसने का तरीका दिखाता हूँ, ये ऐसा पकड़ कर तो आसानी से घसना है, एकदम क्लीन हो जाएगा। ये कैसा है, इस पर भी कार्बन बचता है तो नीचे भी घसेंगे। हाँ, इससे क्या होगा कि अपना जो इसके ऊपर का कार्बन है वो कभी कभी पेट्रोल डालने के बाद भी कार्बन ऐसे अंदर जाके बैठता है तो निकलता नहीं है। तो ये ऐसा पेपर मारेंगे अब तो कार्बन आराम से निकल जाएगा। और हुआ तो वीडियो को लाइक करें, आप वीडियो पे लाइक ही नहीं आ रही, क्या करें, वीडियो को लाइक करें। और हुआ तो कुछ सजेशन या कुछ प्रॉब्लम होगा तो कमेंट करना ना भूलें। अब ये इधर मार दिया हमने तो अब ये बॉडी को भी मारना है, नहीं मारे तो भी चलेगा, इसको कान से मारते हैं मगर ये पॉलिश कर भी चलेगा। उठा कर भी ऐसा रख के आराम से पॉलिश पेपर मारेंगे, हो गया। पॉलिश पेपर स्टार्टर का जो मैंने आर्मेचर इसका जो क्लीनिंग का था, का पेपर मारने का, वो खत्म हो चुका है। अब नेक्स्ट स्टेप पे दिखाऊंगा मैं क्या होगा। तो इसकी फिटिंग करना है, तो कभी क्या होता है ये पैक बैठता नहीं है तो उसको मारना चाहिए। इतना वी टाइवर से आर्मीचर फिर रहा है क्या, देखिए फिर रहा है। अब ये आया ये स्टेप, ये नवी डाली है प्लेट, ये पुरानी प्लेट है, ये घस गई थी, आपको बताया था मैंने, ये नवी प्लेट ब्रश नवे दोनों भी नवी प्लेट है। तो ये पहले शुरू, ये जो है ये दोनों अच्छे से पहले दबा दो टेंशन फ्री होकर। गाड़ी का काम हो चुका, स्टार्टर का काम हो चुका है, फिटिंग करना है। फिटिंग करते हुए दिखाता हूँ आपको। तो सबसे पहले मेरे फोन की बैटरी एकदम लो होने वाली है, इसकी वजह से मैं दिखा नहीं पा रहा।